गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज व्लॉग की नई शुरुआत हो रही है धूप के साथ, लेकिन अब धूप थोड़ी बहुत सी चली गई। जैसे बाहर सेकने के लिए निकला तब धूप चली गई, वैसे पूरा टाइम थी। और हाथ में ये इसलिए है ना, क्योंकि वैसे देने आ रहा हूँ फेक। सुबह सुबह का टाइम था, ब्रश करके मैं आया। मैंने सोचा जीप साफ कर लेते हैं आज, इससे यार हर दिन ब्रश से करते हैं, आज इससे कर लेते हैं तहजीब से, तमीज से। इससे जैसे ही कट से कट गई और कोने से डीप कट गया, देखो निकल नहीं आई बाहर। फिर तो लाते हैं व्लॉग करना होता है। फिलहाल चलते हैं खाने पीने के इंतजाम देखते हैं, क्योंकि लग गई और उसके बाद थोड़ा सा अपलोडिंग वाला काम बचा हुआ और बाकी सब थोड़ी बहुत काम बचे वो निपटा लेते हैं। यार मैं ऊपर छत पे आके बैठा हूँ, इतनी टटकार हवा चल रही है ना यहाँ पे, धूप धूप का नामो निशानी नहीं है भाई। पता नहीं कैसे बैठे हुए थे ये लोग, आँखें देखो एकदम लाल हो रही है, सो नहीं पाया था यार कल पूरी रात में। फिर सुबह भी नहीं सो पाया, फिर सुबह भी नहीं सो पाया, बस लेट ही तब दो मिनट की झपकी भी नहीं लगी थी यार, आँखें ऐसी सो रही थी। तब तक मुझे याद आया कि यार चलो ऊपर चल लेते, धूप हो रही है कम से कम। ऊपर आया तो दादी भी नहीं, दादी के लालच में आया, बेचारी दादी को छोड़ दिया नीचे, बैठ नहीं आई अंदर बैठी। चलो फिलहाल शादी वादी तो निपट गई बहुत अच्छे से मुझे, और बस बारिश वारिश नहीं हुई, होपफुली अच्छा रहा, कोई परेशानियत इतनी नहीं हुई, परेशानियत नहीं मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। फिलहाल चलते हैं, चलो अंदर दिखाते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। बसंत पंचमी है, खिचड़ी बनने का प्लान हो सकता है, आज होगा कुछ। आ रही है जा रही है धूप, ऐसा वाला हिसाब है। उठ जाओ भाई, महिलाओं बता दो यार क्या क्या बन रहा है यार। हेलो, आज पुलाव चाची को तो ठंड लग रही है भयानक वाली आज। मम्मी यहाँ साड़ी पहन रखी है, वैसे मस्त लग रही थी यहाँ, इसके नीचे ब्लैक कलर का पहना था वो ज़्यादा मस्त लग रहा था देखने में। लेकिन ठंड का निवारण भी तो करना, शाम को ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। दादी बॉय कट करा लो बाल, बॉय कट वासु जैसे। अरे कोई नहीं, अब तो शहर की हो आप, तो देसी हो दादी, कहाँ पहाड़ी हो दादी। ऐसे नहीं कहते हैं, आप ही तो कहती थी हमेशा। नहीं, हम तो पक्की हैं, हम पहाड़ी हैं, हम नेपाली हैं। अच्छा दादी पहले कहती नहीं थी हम देसी हैं, कहती थी भाई नेपाली आदमी नहीं होते। अरे होते हैं, लेकिन जब पता घर में पता घर वालों से क्या होता है, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया ना किसी का, बस बोले यार चार लोग मर गए वहाँ। अच्छा, लेकिन ना दुई दुटियाल छवक उनकी गिनती इंसानों में नहीं होती, हो जाती है। अब तो कंगी होके रहेगी, अब आप बच के नहीं जाओगी ऐसे, आप ढंग से नहीं करती हो ना, चाची मम्मी करती है तो ढंग से करती है। यार इनकी बाल कितने निकल गए, दादी 10 दिन से छोटी नहीं करी इन्होंने। अरे दुख रहा है, आपने भी तो कलर नहीं किया 10 दिन से। अरे क्यों कर रही हो, अरे यार लो कई बार वो तो खानदानी बीमारी है दादी। दादी पक्ष को लेते हुए क्रीम देना अग्रसर होते हुए स्वेटर बनाई 100 रुपए दे रही है दादी, 100 रुपए में तो दादी ऊन भी नहीं आती। मन में किया क्यों करना कि एक कमर एक ज्यादा, आजकल 100 रुपए में कुछ नहीं आता है दादी। 1 लाख रुपए दो एक स्वेटर के, हाँ 1 लाख दे देंगे दादी, 1 लाख की जगह लाख हम जानते नहीं। दादी की चुप्पी देखो मस्त एकदम क्लीन शेप हो गई हो दादी, आप धूप ले लो 2 हफ्ते की आज ही। भूख लग रही है आ? ये बताइए पहली चीज ये बताओ, रिश्ता पक्का कर दें? रिश्ता पक्का कर दें, रिश्ता पक्का कर दें, हल्दी लेके चले जाएं, हल्दी लेके चले जाएं, हल्दी लेके चले जाएं, आ जाए भाई। दादी आज अपने नए नवेले कड़े देने वाली हैं मम्मी लोग को। अरे वो जो हॉर है उसी की जगह पे बने। तो यार आज खिचड़ी का त्यौहार है जैसे कि, तो हम लोग छत पे बैठ के सब लोग खा रहे हैं धूप में, वो दादी हैं उधर और बाकी सब लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। क्या चटनी चाहिए? प्लेट नीचे रखो, नीचे प्लेट लाओ, आगे लाओ दादी प्लेट आगे लाओ, बताना और बस लो बहुत अच्छा। पूरा दिन निकल गया, मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि पतंगे कितनी उड़ रही हैं, देखो जरा भरी पड़ी हैं भाई आज तक एकदम पतंगे। शाम का टाइम हो गया, 4-5 बज रहा होगा आराम से, और कितनी तगड़ी पतंगे उड़ रही हैं।
खुशबू तुम अस्तारी क्या बना रहे हो? क्या गोंद? गोंद मतलब होता क्या है? अच्छा पेड़ वेड़ से आता है क्या ये? पेड़ से? ये तेल है। अच्छा तो इसे फ्राई कर दिया गोंद को जो होता है। अच्छा गोंद के लड्डू जो बनते हैं ना खत्म हो जाते हैं। ये सब तो ड्राई फ्रूट से और क्या तेल है इसमें? तेल है, तेल। अच्छा इसे भून लिया वो आज वहीं डालोगे लड्डू? यार देख रहे हो एकदम क्रिस्टल की तरह दिख रहा है ये, पता नहीं यार क्या चीज़ है। मुझे तो वही पेड़ वाला ही लग रहा है, किसी पेड़ से निकाला जाता होगा। और फ्राई करके देखो ऐसा हो जा रहा है ये, बहुत सही। डाल दो इसी में भाई, इतने एंथुजियाज्म से बना रहा ना ये लोग, लग रहा बना ही डालेंगे सबको, लड्डू वड्डू आज खाने को मिल जाएंगे बहुत दिनों के बाद। परिणाम की घड़ी आ चुकी है, इसका मतलब है अब हड़बड़ी सड़बड़ी मचेगी यहाँ में। फटाखट बनाओ और बन गया तो दोनों की मेहनत। अरे हाथ पर नहीं चुआ लेना मम्मी। अरे यार क्या कॉमेडी करते हैं यार आप लोग। चलो कोई बात नहीं, बनाओ ना मम्मी, सटा सट बनाओ फिर जम जाएगा। जमना चाहिए आपको, एक्सपीरियंस है ना? इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। जल्दी करो भाई, सूखा हो रहा है। मैं सूखा हो रहा है, सूखा हो रहा है नहीं है? सही बात है, ऐसे ही रहेगा क्या बुरबुरा सा? अरे थोड़ा और करो भैया। मम्मी थोड़ा और डालो सो, क्या कर रहे हो भाई? मजदूरी नहीं मिलेगी पूरी? देखने में तो टेस्टी लग रहा है यार बहुत ज्यादा। डाल दो और। चाची कह रही डाल ही दो जब आप कह रहे। नहीं मुझ पे डाल देना जब मैं ले लूंगा। दादी निकाल लेंगी तो दादी को देना। यार ये वाली तो मुझे एक सक्सेसफुल बना दिया आप लोगों ने, है नहीं है? इसमें आपने वो तो नहीं डाला गोंद? डाला है? पीस के तुमने देखा ही? अच्छा पीस के डाला है? हाँ मैंने थोड़ा सा खा के देखा था, दांतों में चिपक सा रहा था। अरे तो गोंद है बेटा, गोंद का काम ही चिपकना है ना। कौन से पेड़ का होता है ये तो पता नहीं होगा ना। तो अगली प्रोसेस में हाथ, चाची ने हाथ में घी लगा लिया है, तो घी से वही है या चिपके है नहीं वाला मैटर? पानी से भी किया जा सकता है। गुड गौ माता गाय के लिए बन गया ये वाला पहला। गरम गरम सारा खा के देखिए कैसा बना। परीक्षा की घड़ी आ चुकी है महानतम, भाई दो बार फेल हो गया आप लोग का मैटर, लेकिन जब सही बना हुआ टेस्टी है ना। गोंद की वजह से मुझे लग रहा है टेस्ट बढ़ गया टेस्टी बना दिए भाई, बचेंगे नहीं ये, देखना दो तीन दिन चलेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा भाई, तुम मचा डाली है लोगों ने, बन चुके हैं बहुत टेस्टी बने हुए हैं यार इस बार के। देखो कितने 100 लड्डू बन जाएंगे इसमें, 50 तो बन ही जाएंगे। घर के हिसाब से ना, पब्लिक के हिसाब से बना देखा तो ये हिंट दे दी जा चुकी कि हमारे घर पे कोई ना आए। हमने घर के साथ लड्डू बनाए नहीं, आ सकते आप हमारे लड्डू खाने और
ऑर्डर देना तो ऑर्डर भी दे सकती हूँ। 5 लाख रुपए 1 किलो के, क्योंकि प्योर प्योर उससे बने हुए हैं ना, गोंद प्योर देसी घी के हैं और उसके ऑर्गेनिक गुड़ भी ऑर्गेनिक और उसमें माओ का प्यार भी है, इसीलिए 5 लाख रुपए कीमत रखी। बस किसी को ऑर्डर देना हो तो डिस्क्रिप्शन में दे देना। 5 लाख रुपए 5 लाख में तो चैनल लग रही, देखो ये लड्डू की बात अलग है। बहुत अच्छी आ रही है वैसे। चाची के ले लेते सब लोग गए थे दादी, बोले तेरी मामी नहीं गई। नहीं दादी, दादी क्या छुपे रुस्तम हमको क्यों नहीं ले गए? आपको बताया तो था। बताया तो था। कहाँ बताया? भैया बताने आए थे। ना नहीं बताया। आप भूल जाते हो, अभी आप 5 बार पूछ चुके हो पापा आए कि नहीं आए। अब हाँ, आगे पापा 5-6 बार पूछ चुके हो आप, पापा आगे हाँ आगे। अरे जब सुनाई नहीं पड़ता मुझे तो क्या? आपको सुनाई पड़ जाता, भूल जाती हो आजकल। बताया था कल शादी के लिए भी बताया था, आपने मना किया था। झूठ बोल रहे तुम। बताया था दादी, बताया था। बताया था दादी, वीडियो दिखा दूंगा आपको, वीडियो में है। वीडियो है मेरे पास, वीडियो दिखा दूंगा। बताया था, मैं नीचे आके बैठा था तब भी बताया था मैंने आपको। उतर गया होगा आपके दिमाग से। अरे बताया था, बताया है दादी, आपको याद नहीं है? बिना बताए जाएंगे क्या ऐसा? बताओ तो सब लोग खा के आए थे। भाई जबरदस्त बना दिए, एकदम खुशबू आ रही है बहुत जबरदस्त वाली। बस हो गया खाना तैयार, लेकिन अब यहाँ से ब्लॉग का मुझे लग रहा है एंड होने वाला। तो ऐसी मौज मौज में ये हुआ कि यार कल पार्टी जहाँ पर हम लोग गए थे ना, तो खाने पीने गए थे हम, बहुत सही था। अब ये हुआ कि यार आज किसी की पार्टी है तो हुई नहीं, ऐसी कोई पार्टी निकल के नहीं आई, ऊपर नीचे कोई कार्ड नहीं है हमारे पास। तो फिलहाल हमने सोचा है कि हम किसी पार्टी में क्रैश करेंगे जाके। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।